जब हम कहते हैं अगर ये हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, अगर वो हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया को, इस ब्रह्मांड को आपके हिसाब से चलना चाहिए। कि ज्यादातर लोगों के लिए वो जो चाहते हैं उसका 50% हो जाता है। मान लीजिए आप अपने विचारों को जागरूकता से चलाने लगे, अब आपके विचार वही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आपकी पूरी जीवन प्रक्रिया एक सहज स्थिति में आ जाएगी। जब ये इतना सहज हो जाता है तब ये ग्रहणशील बनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा दो ऑपोजिट चीजों के बीच में होता है, चाहे दो चुंबक हों या फिर दो ऑपोजिट स्त्री पुरुष हों या किसी भी तरह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट्स के बीच होता है कि नहीं? उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, इससे लेकर उस तक, ये उसी तरह काम करता है। अब आप ब्रह्मांड की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब आप इस ब्रह्मांड के लिए एलियन हैं? ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। अगर ब्रह्मांड का ही हिस्सा है तो फिर यहाँ अट्रैक्ट करने की बात कहाँ से आती है? तो फिर कैसे, क्यों ये कहा जाता है कि आप अपनी नियति तय कर सकते हैं? आप कर सकती हैं, आप अपनी नियति तय कर सकती हैं, आपको करनी ही चाहिए। इंसान होने का यही मतलब है। अब आपने कुछ चाहा और वो हो गया। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि ज्यादातर लोगों के लिए वो जो चाहते हैं उसका 50% हो जाता है। बात बस इतनी है कि वो उन कुछ चीजों पर फोकस करते हैं जो नहीं हुई हैं। अगर आप सही से इसका आंकलन करें तो एक ठीक ठाक सेटल्ड समाज में वो जो चाहते हैं उसका 90% पूरा हो जाता है। ये बाकी का 10% है जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं। हाँ? हेलो, क्या ऐसा नहीं है? आपकी जिंदगी का 90% वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, 10% की आप शिकायत कर रहे हैं। आप कभी भी उस 90% का आनंद नहीं लेते क्योंकि ये 10% वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं। तो पहले से ही बहुत हद तक आप अपनी नियति को वैसे भी तय कर रहे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पर वो थोड़ा भी आपको परेशान कर सकता है। मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, 90 किलोमीटर आप सही से गए जहां आप जाना चाहते थे, 91 किलोमीटर में आपका एक्सीडेंट हो गया। अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है ना जी। तो इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिना वजह शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि 90 किलोमीटर तक सब कुछ सही हुआ, बस पहुंचने से ठीक पहले एक्सीडेंट हो गया, तो वो अब भी उससे दुखी हैं। अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे चारों ओर परिस्थितियां होती हैं। हर एक परिस्थिति कभी भी बिल्कुल हमारे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि वो परिस्थिति बस मेरे बारे में नहीं है, उसमें कई सारे लोग शामिल हैं, कई सारी ताकतें शामिल हैं। जरूरी नहीं कि वो सब कुछ मेरे हिसाब से हो, पर अगर मैं अपने हिसाब से हो रहा हूं, मैं आनंद में हूं, ठीक है, चाहे गोल्फ बॉल सीधी जाए या उड़कर पहाड़ों में चली जाए, मैं तब भी आनंद में हूं। अगर आपको गोल्फ खेलने को मिल रहा है, खेलने को अगर ना भी मिले तो भी। तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो जब तक चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं और आप अपने रास्ते पर हैं और आप आनंद में हैं। ना 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 ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक चीजें आपके हिसाब से होंगी तब तक आप आनंद में होंगे। अगर आप आनंद में हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि चीजें किस तरह से होती हैं, वो जिस तरह भी हों, आप तब भी आनंद में हैं। देखिए, असल में ये ऐसा है कि दुनिया ने घोड़े के आगे गाड़ी लगा रखी है। आप मुझे बताइए, क्या अपने आप को संभालना आसान है या इन सारे लोगों को संभालना आसान है? अपने आप को संभालना कठिन है, मेरा मतलब है। अच्छा, आप इन सब लोगों को संभाल सकती हैं? कोशिश कीजिए। नहीं, मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उन्हें अपने आप को संभालना है और वो समाज को और समुदाय को और लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बैठी हुई है। हाँ, क्या अपने आप को संभालना आसान है या फिर इन सभी लोगों को? अपने आप को। अपने आप को, तो पहले आपको वो करना चाहिए ना जो सिंपल है और आसान है। अगर आप अपने आप को संभाल लें तो फिर हम देखेंगे कि हमें इन सभी लोगों से कितना सहयोग मिलता है। अभी जब आप कहती हैं कि आप खुशी की तलाश में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहती हैं कि ये सब आपके हिसाब से काम करें। जब हम कहते हैं अगर ये हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, अगर वो हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया को, इस ब्रह्मांड को आपके हिसाब से चलना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। नहीं, मैं ये नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों पर कंडीशन थोपने जैसा होगा कि उसे ऐसे चलना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये कह रही थी कि ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल कि कोई एक्टर बनना चाहता है या कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, और मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। और ठीक है, मान लीजिए वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ मतलब क्या?
लोगों को आपकी एक्टिंग पसंद नहीं आई या सेलेक्टर्स को आपका क्रिकेट पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ जी। तो आप जो चाहती हैं वो नहीं हुआ, क्या आप तब भी यहाँ आनंद में बैठ सकती हैं? ये एक सवाल है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो करने की कोशिश कर रही हैं, जब आप कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो हर किसी को पसंद आना चाहिए, तो एक तरह से आपको लोगों के मन को संभालना पड़ेगा। आप वही तो कर रही हैं, किसी तरह से आपके सिनेमा द्वारा या जैसे भी, आप किसी तरह से उनके मन को संभालने की कोशिश कर रही हैं और वो कर रही हैं जो उन्हें पसंद आता है, और इसलिए ये काम कर रहा है ना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। सही। तो क्या आसान है, इसे संभालना या उन्हें संभालना? इसे, अगर आप इसे संभाल लें, अब आप खुशी की तलाश में नहीं हैं, आपको किसी चीज का तनाव नहीं है, कोई भी कोई तलवार आपके सिर पर नहीं लटक रही, आप हर चीज पूरी तरह से शामिल होकर करेंगी, क्योंकि आपको परवाह नहीं है कि क्या होगा, चाहे जो भी हो जाए आप तब भी ठीक हैं, इतना आप जानती हैं। अब स्वाभाविक रूप से आप हर चीज बेहतरीन ढंग से करेंगे, क्योंकि अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं रह गया है, जो भी करना जरूरी है आप करेंगी बड़ी सहजता से। तो जो काम किसी को एक बड़े सर्कस और करतब की तरह लगता है, उसे आप खुशी से खेल खेल में करेंगी। देखिए, अगर आप यहाँ इस धरती पर किसी और प्राणी के रूप में आई होती, उनके मजबूरी से बंधे चक्र होते हैं, वो उनमें ही जीते हैं, उनके लिए ये ठीक है, क्योंकि वो बस उतना ही कर सकते हैं। असल में अगर आप अपनी जिंदगी को देखें तो आप उनसे कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे जो दूसरे प्राणी कर रहे हैं। वो पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, आप होते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं, वो मर जाते हैं, आप मर जाते हैं, कुछ भी बहुत अलग नहीं। पर इन्हीं सिंपल चीज़ों को हम जागरूकता से कर सकते हैं। इंसान होने का यही एक महत्वपूर्ण गुण है। जिस पल आप इसे, मान लीजिए आप अपने हाथ का उपयोग जागरूकता से करती हैं, अब यह हाथ वही करेगा जो आप चाहती हैं, है ना? आप यहाँ बैठकर ऐसे नहीं करेंगी, अब यह हाथ वही करेगा जो आप चाहती हैं। मान लीजिए आप अपने विचारों को जागरूकता से चलाने लगें, अब आपके विचार वही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। अगर आपके विचार वो कर रहे होते जो आप चाहती हैं, तो आप खुद को कैसे रखती, आनंद में या दुख में? आनंद में जी। अगर आप आनंद में हैं, तब क्या आप खुशी की तलाश में जाएंगी? तो ये सब चीजें जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे महान चीजें हैं, शांत रहना, खुश रहना वगैरह, बकवास, आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि आप आनंद में हैं। पर आप उनसे ऐसा कह नहीं सकते, उन्हें बेइज्जती महसूस होगी। अगर आपके विचार और भावनाएं आपसे निर्देश ले रहे होते, तब आप खुद को सबसे ऊंचे स्तर की सुखद स्थिति में रखते, चाहे वो जो भी होती, है ना? बिल्कुल हाँ। अगर ऐसा हो जाए तो आपकी पूरी जीवन प्रक्रिया एक सहज स्थिति में आ जाएगी, पूरी तरह से सहज। अभी क्योंकि आप एक घात लगाए हुए टाइगर की तरह हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, यहाँ लेने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप बस यहाँ बैठे हैं तो आपका जीवन पूर्ण है। अब ये सहजता में है, पूरी सहजता में। जब ये इतना सहज हो जाता है, तब ये ग्रहणशील बनता है। अब किसी एक पेशे की चाहत रखना, पैसे कमाना, यहां तक कि खुश रहना या प्यार करना या प्यार में पड़ना, कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि बस यहां बैठे हुए आप सबसे ऊंचे स्तर के सुख में हैं। अब आप ऐसे जीवन के साथ क्या करेंगी? स्वाभाविक है कि आप कुछ ऐसा खोजना चाहेंगी जिसका अभी आपको बोध नहीं है। इस तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, इस तरह से आप अपने जीवन की बागडोर संभालते हैं।